हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग ऋषिकेश में हैं और कैंपिंग करने के लिए आए हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा डांस भी किया, थोड़ा ट्रेनिंग भी हुई। गुरुदेव हमारे साथ हैं, हेमंत सर, और कैंप फायर चल रही है और हम लोग यहाँ पर। ठंड तो है लेकिन माहौल एनर्जेटिक है, तो उसके साथ साथ आग भी जल रही है, तो ठंड तो पता नहीं कहाँ भाग गई। फिर हम लोगों ने गुड डॉट भी यहाँ पर हमें बनवाया, हमने और डिनर भी कर लिया। अभी हम लोग मूँगफलियाँ एंजॉय कर रहे हैं और एक तरीके के लोहड़ी का माहौल बन गया है यहाँ पे। तो बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि हम लोग यहाँ बैठ के भी कुछ ना कुछ अच्छी बात करें, काम की बात करें, ज्ञान की बात करें। तो हमने एक डिसाइड किया कि हम सब एक एक मिनट का कोई ऐसा मैसेज देंगे जो हमने अपनी लाइफ में वो बात उतारी और वो कहीं ना कहीं हमें काम आई। तो मैं भी अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कभी ना कभी कुछ भी बोल देते हैं किसी को, और बोलने के बाद में फिर हम बार बार ना सोचते रहते हैं, यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस व्यक्ति का दिल दुख गया, या फिर कोई ऐसी बात हमने बोल दी जो वो सही नहीं थी, हमने ऐसी तुक्का मार दिया। तो मैं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहा करता था, बोल देता था, बाद में सोचता रहता था, बहुत दिनों तक सोचता रहता था। मैंने एक लाइन पढ़ी थी और वो पढ़ने के बाद में मुझे, जब मैंने उन बातों को अपने जीवन में उतारा तो मुझे बहुत अच्छा अभी लगता है और मैं बड़ा सोच समझ के अब बोलता हूँ। तो मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि बिफोर यू स्पीक चेक इज़ इट ट्रू, इज़ इट काइंड और इज़ इट नेसेसरी। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बात बोलने से पहले हमें सोचना है कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ क्या ये सच है या मैं कुछ भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। दूसरी बात जो हमें मंथन करनी है अपने अंदर, क्या ये ज़रूरी है, मतलब अगर इसके बिना भी काम चल सकता है तो दूसरी बात हमें ये सोचनी है क्या ये ज़रूरी है। और तीसरी बात इज़ इट काइंड, क्या ये बात दयालुता भरी है, यानी मैं जब बोल रहा हूँ तो क्या सामने वाले को ये बात दिल तो नहीं दुखेगा उस व्यक्ति का। और यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है कि अगर हमें कई बार क्या होता है, हमें कोई सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है और हमें उसकी आलोचना करने का मन कर रहा है, तो अगर हमें उसकी आलोचना करनी है तो हमें आलोचना, जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि आलोचना का नियम ये कहता है कि भाई हमें जो आलोचना है वो अकेले में करनी है, और प्रशंसा जो बढ़ाई जो करनी है, किसी के बारे में अच्छा बोलना है तो वो सबके बीच में बोलना है। तो हमें बोलने से पहले ये सोचना है कि वो क्या वो बात काइंड है, दयालुतापूर्ण है, कि किसी के दिल तो नहीं दुखेगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हम बोलें तो पहले सोचें कि क्या ये सच है, दूसरा क्या ये ज़रूरी है, तीसरा क्या इस बात को बोलने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू।